विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम साइटेक में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है फूलों के खिलने का विज्ञान और चलेंगे मानेसर स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये जानने के लिए कि आखिर कैसा दिखता है हमारा मस्तिष्क। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। गमले में लगे गुलाब की कली दिखी नहीं कि हम उसके खिलने का इंतजार करने लगते हैं। वाकई रंग बिरंगे खुशबूदार फूल किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कई पौधे वसंत के मौसम में ही खिलते हैं जबकि कई अन्य फूल साल भर खिलते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है फूलों के खिलने, उनके रंग और उनके गंध का विज्ञान। फूलों के खिलने का अपना मौसम होता है। कुछ फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं तो कुछ सालों भर। फूल अपनी संरचना, रंग विन्यास और गंध में भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इसके पीछे पौधे में मौजूद रसायन अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पौधे में फूल तब खिलते हैं जब उन्हें इसके लिए अपने वातावरण से संकेत मिलता है। ये संकेत होते हैं दिन की लंबाई और तापमान। आपने देखा होगा कुछ फूल दिन में काफी कम समय के लिए खिलते हैं, वहीं कुछ पूरे दिन के लिए खिलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स तब खिलते हैं जब रात की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, उदाहरण के लिए क्रिसेंथमम। वहीं लॉन्ग डे प्लांट तब खिलते हैं जब रात की लंबाई एक निश्चित सीमा से कम होती है, उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे अणु की पहचान की है जो फूलों के खिलने के लिए उत्तरदायी है। फ्लावरिंग लोकस टी नामक प्रोटीन पौधे के पत्ते से पौधे की शाखा में जाता है और फूल खिलने की प्रक्रिया को शुरू करता है। फूलों के अलग अलग रंग के लिए कई तरह के पिगमेंट्स जिम्मेवार होते हैं। इन पिगमेंट्स की मौजूदगी से ही फूल रंग बिरंगे दिखते हैं। ये पिगमेंट्स मुख्य तौर पर तीन समूह से आते हैं, पहला एंथोसाइनिन, दूसरा कैरेटिनॉइड और तीसरा बिटालेंस। ज्यादातर लाल, नीला और बैंगनी फूलों में रंग एंथोसाइनिन समूह के पिगमेंट से आते हैं। लालिमा से पीलेपन के लिए फूलों में रंग के लिए कैरेटिनॉइड समूह के पिगमेंट्स उत्तरदायी होते हैं। वहीं कुछ प्रजाति के पौधों के फूलों में लाल और पीला रंग बिटालेंस समूह के पिगमेंट से आता है। फूलों की पंखुड़ियां शाकाहारियों को भगाने, पॉलिनेटर्स यानी परागण में सहायक जीवों को आकर्षित करने के लिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्सर्जित करती है। ये गंधयुक्त यौगिक होते हैं जिन्हें तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ये है टर्पेनॉइड्स, ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स और फेनाइल प्रोपेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स पौधों में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। ये आइसोप्रीन से प्राप्त होते हैं। ये लेवेंडर में गंध के लिए जिम्मेदार हैं। ताजे कटे घास में गंध आती है ग्रीन लीफ वोलेटाइल से। ये यौगिक फैट एसिड से आते हैं। गुलाब में गंध आती है फेनाइल प्रोपेनॉइड से। ये फिनाइल एलोनिन से संश्लेषित गंध युक्त यौगिक हैं। तो अगली बार जब आप किसी खिले हुए फूल के रंग और गंध का आनंद ले रहे हो तो इसके विज्ञान को भी जरूर याद रखिएगा। हमारा मस्तिष्क किसी मशीन से कम नहीं होता जिसके छोटे बड़े हिस्से हमारे शरीर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आपने भी मस्तिष्क के काम करने की प्रक्रिया के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मस्तिष्क को देखा है? नहीं? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर और दिखाते हैं आपको आपका मस्तिष्क।
एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन है, एडल्ट ह्यूमन का ब्रेन है. सो एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन अराउंड 1.4 केजी होता है, 1.4-1.5 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी साइज. वो वे थोड़ा वेरी करता है, बट वन एवरेज वेट इज 1.4 केजी. सो ब्रेन बेसिकली बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स से मतलब प्रोटेक्टेड होता है. ऊपर स्कल होता है, उसके नीचे बहुत सारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं. स्पेशली उसकी तीन लेयर होती हैं. सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत ही एक टफ लेयर होती है. सो ड्यूरा मैटर के नीचे एक लेयर होती है, एरेकोनॉइड कहते हैं उसे, और उसमें आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, जो कि ब्रेन को बायंसी बाइंड फोर्स लगा के रहता है, इसलिए आपको आपका हेड का वेट फील नहीं होता है. और उस CSF से आपका नरिशमेंट भी मिलता है बेसिकली पूरे ब्रेन टिश्यू को. देन उसके नीचे होता है पाया. पाया आप ये देख सकते हैं, ये जो बेसिकली हल्की वाइट कलर की मेम्ब्रेन जो दिख रही है ना आपको, पतली पतली, ये बेसिकली जो सारे ग्रूव्स के अंदर जा रही है, ये होती है पाया मैटर. सो ये बेसिकली लास्ट कवर होता है इसका. इसके नीचे आपका ब्रेन का टिश्यू स्टार्ट हो जाता है. सो ब्रेन के बेसिकली ब्रेन में दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है. ये ब्रेन का टॉप पार्ट है, ये ब्रेन का सामने का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है. यहाँ से आप, ये बेसिकली नीचे का पार्ट है ब्रेन का. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो इसको कहते हैं सेरिब्रम, ये पार्ट होता है सेरिब्रम, ये होता है सेरिबेलम. सेरिबेलम का बेसिकली मोटर फंक्शन होता है, उस दैट मीन्स आपके बेसिकली सारे जो मसल्स का जो इनपुट होता है ना वो सेरिबेलम में जाता है. तो इसका फंक्शन बेसिकली बैलेंस मेंटेन करना, आपकी मसल्स का पोजीशन एक स्पेस में कहाँ पे है, वो सारा इंफॉर्मेशन सेरिबेलम में ही जाता है. देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया होता है, ये होता है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के यहाँ से, इस वाले एरिया से बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपके पीछे बॉडी के पीछे पीछे की साइड होता है. बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से सारी जो बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपकी पहले जाती है ब्रेन स्टेम में. ब्रेन स्टेम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, फिर होता है पॉन्स. उस वहाँ से फिर आपका चला जाता है इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन, देन थैलेमस. थैलेमस से फिर आपका पूरे डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में चली जाती है. जैसे कि जो आगे का पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब. सो फ्रंटल लोब में आपकी सारी सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है, वो सब कवर करता है, और मोटर फंक्शन, ठीक है. सो बेसिकली कोई मूवमेंट की प्लानिंग, वो सब आगे फ्रंटल उसमें होती है. इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, वो सब फ्रंटल लोब में होता है. ऑसिपिटल लोब के लोब में बेसिकली आपकी ऑप्टिक नर्व, जो कि बेसिकली आँखें आपकी यहाँ पर होती हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है. ऑप्टिक नर्व का आप एक पीछे का हिस्सा देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बेसिकली जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये होता है ऑप्टिक, इसको बोलते हैं ऑप्टिक कायजम. सो बेसिकली ये आपके ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड होता है. सो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर जाते हुए इंफॉर्मेशन आपके पीछे ऑसिपिटल लोब में पहुँचती है. सो बेसिकली सारा जो आँखों से जो विजुअल इन्फॉर्मेशन जा रहा है, देखो विजुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं. विजुअल इन्फॉर्मेशन में आपका कलर होता है, स्पेस का इन्फॉर्मेशन कि ये कितना दूर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. टेक्सचर क्या है, रफ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बेसिकली वो आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है. वो सारा सबसे पहले ऑसिपिटल लोब में जाता है. तो इसमें जो यहाँ पे होता है प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया से आपका डिपेंड करता है कैसी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी पेराइटल लोब में जाती है और टेम्पोरल लोब में जाती है. सो पेराइटल लोब में बेसिकली स्पेस वाला इनपुट होता है. दैट मींस वेयर पाथवे होता है कि स्पेस में बेसिकली कहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, कितनी दूर लोकेटेड है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पेराइटल लोब में प्रोसेस होता है. और पेराइटल लोब में सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है. सेंसरी इन्फॉर्मेशन मतलब जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका बेसिकली वो कैसा सख्त है, कैसा है, सेंसरी, वो सब सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हाँ, सेंस करना बेसिकली. सो वो आपका पेराइटल लोब में प्रोसेस होता है. टेम्पोरल लोब में मैंने आपको बोला ना, स्पेस वाला इन्फॉर्मेशन टेम्पोरल लोब में जाता है, और बेसिकली कलर और कलर वाला इनपुट, व्हाट बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं ये देख के मैं पहचान सकती हूँ कि ये फॉर्सेप है, ठीक है. देन मैंने, अगर मैं किसी फेमिलियर पर्सन का फेस देखती हूँ तो मुझे पता है कि इसका नाम मुझे पता है बेसिकली. तो वो सारा प्रोसेस आपका टेम्पोरल लोब में होता है. और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जाता है,
ईयर से। सो ईयर से आपका इंफॉर्मेशन सारा ऑल्ट्री उसमें जाता है। अब देखिए दो हेमिस्फेयर हैं आप, सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो बॉडी की होती है वो क्रॉस करती है। आपका बेसिकली लेफ्ट लेफ्ट बॉडी पार्ट का इनपुट राइट में जाता है, राइट का इनपुट लेफ्ट में जाता है, मोस्टली नॉट 100% बट 80 to 90% इंफॉर्मेशन क्रॉस होता है। तो आपको ये लगेगा कि एक हेमिस्फेयर को तो पता ही नहीं कि दूसरे हेमिस्फेयर में क्या चल रहा है, राइट? बट ऐसा नहीं होता, दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो ये आप ये जो एक टिश्यू एक फाइबर बैंड होता है, बहुत थिक फाइबर बैंड है, ये एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। उम्मीद है कि साइटक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।